नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइंस, अगर आप कैप्रिकॉन हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और एनर्जी भी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये रीडिंग होगी 7 नवम्बर से लेकर 13 नवम्बर तक की जो वक्त है, इसमें ये रीडिंग आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। कैप्रिकॉन देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखो कैप्रिकॉन, आपके जो पर्सन है ये तो डिसीजन लेने वाला है या नहीं है। मुझे तो करंटली जो इनकी जो स्थिति है ये स्टक है, ये इंतजार कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन ये बंदा या बंदी चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व करने में लगा हुआ है। फिलहाल ये इंतजार कर रहा है डिसीजन लेने का, जब वक्त सही होगा तभी ये डिसीजन लेंगे। और हो सकता है आपकी कही हुई कोई बातें इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, जिस बात को ये दिल से लगा के बैठा हुआ है बंदा, इसीलिए रोक रहा है खुद को। डिसीजन लेना तो चाहते हैं लेकिन नहीं लेंगे, ये आपको अच्छी तरीके से जान गए हैं, पहचान गए हैं। और ये अपने अंदर की जो अनुभव है, ज्ञान है, उसको भी काम पे लगा रहा है। तो ये चुपचाप है, ये ऑब्जर्विंग के मूड में है, ये इंतजार कर रहा है, ना कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, ना कुछ आगे चलने के बारे में सोच रहा है। ये स्टक मूड में है और खुद को रोक के भी रखा है। मतलब कभी मन में आता भी है कि एक्शन ले लिया जाए तो ये नहीं करेंगे, ये लास्ट मोमेंट तक मतलब एंड तक इंतजार करेंगे, तब जब जाके उनको लगेगा भाई डिसीजन ले लेना चाहिए, एक्शन ले लेना चाहिए, तभी ये बंदा आगे बढ़ेगा। वरना ये फिलहाल के लिए ये सोच रहा है कि मुझे स्टक रहना है, मुझे कुछ नहीं करना है, जो जैसा चल रहा है चलने दो, मैं तो सिर्फ चुपचाप देखूंगा या देखूंगी कि सामने वाला बंदा क्या करता है या कर रहा है। ये खुद से कुछ नहीं करने वाले फिलहाल, इनकी यही मतलब करंट फीलिंग्स में यही दिखाई दे रहा है मुझे। अभी देख लेते हैं ये चाहते क्या है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गुस्से में है भाई, ये जो भी चाहेंगे आपसे बताएंगे नहीं। हाई प्रेस्टस, टेन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ सीक्रेट रिवील करना चाहते हैं, जो आप छुपाना चाहते हो ये उसको निकालना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। ये अपने सर में परेशानी लेके घूम रहा है बंदा, इनको लग रहा है कि आपने इनको परेशान करके रखा है। इनकी घर की जिम्मेदारियां हैं, काम की जिम्मेदारियां हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये चाहते हैं कि ये जो बातें आप छुपा रहे हो, जो बोल नहीं रहे हो, ये सारी बातें ये खोल के रहेगा,
ये अपने आप को बहुत ज्यादा इंट्यूटिव इंटेलिजेंट समझ रहा है, इनके पास हर बात की नॉलेज है, इनको सब पता है। इनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, आपको देख के ये पता लगा लेता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या छुपा रहे हो, क्या बोलना नहीं चाहते हो, ये सब पढ़ लेते हैं आपके दिमाग को भी, मन को भी। ये चाहते हैं कि आप अपने बात अपने मुंह से कहो, क्योंकि इनको सब पता है, इनको ऐसा लगता है। और आप हो कि छुपाने में बिजी हो, छुपाए जा रहे हो, इनको लगता है इनको सब पता है, ये आगे देख पाते हैं क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, सामने वाला क्या सोच रहा है, कोई भी आके इनको कुछ नहीं समझा सकता, ऐसा उनको लगता है। इनके नॉलेज है इनके पास, वक्त ने इनको कुछ सिखाया, ये वक्त के थपेरों से कुछ सीखा है, कुछ अनुभव से सीखा है। तो इनको लगता है कि आपने जो करना है, जो छुपाना है, जो बोलना है बोल दो, लेकिन ये आपके बातों में आने वाला नहीं, आने वाली नहीं। इनको पता है सही गलत का परख इनको है, ये हाई प्रिस्टस है, मतलब इनको लगता है ये हाई प्रिस्टस है, इनको सब कुछ पता है, सही गलत अच्छे बुरे झूठ सच ये सब पकड़ लेते हैं, सबके झूठ पकड़ लेते हैं। ये चाहते हैं आप जो छुपा रहे हो उसको ना छुपाओ, इनको लगता है आप कुछ छुपा रहे हो, तो वो बातें ये बाहर निकाल के रहेगा बंदा या बंदी जो भी है। देख लेते हैं इनका एक्शन। टू ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, ये दुखी है, ये परेशान है, ये आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है। इनको पता है कि आप इनके सोलमेट हो, ये आपको अपना सोलमेट मानता था या मानती थी, लेकिन आपने, हो सकता है इनको लगता है कि आपने उनके ऊपर किसी और को चुना, आपने इनको इमोशनली हर्ट करके रिश्ते से मूव ऑन किया है। तो फिलहाल के लिए ये आपको अपना सोलमेट, कितना भी सोलमेट मान ले, कितना भी आपके लिए प्यार महसूस करे, ये खुद से तो कोई एक्शन लेने वाला नहीं, ये रुका रहेगा, ये सोचेगा, देखेगा आपकी जो भी सीक्रेट है इसको रिवील करेगा, और ये आपके पास आने वाला नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने, आपने उनके साथ जो भी किया है उसी तरीके का ट्रीटमेंट आपको भी मिल रहा है कहीं और से, ऐसा उनको लगता है। कभी कभी ये आपको अपना सोलमेट मानते थे, इनको लगता था ये सोल कनेक्शन है, लेकिन बाद में उनको पता चला कि आपने तो उनको डीची कर दिया, आपने उनसे झूठ कह दिया, आपने उनके ऊपर किसी और को चुन लिया, तो अभी ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है बंदा। एक्शन लेना तो दूर की बात, ये रिश्ते से मूव ऑन, क्योंकि ये रीडिंग भी है नो कॉन्टेक्ट का, तो ये मूव ऑन कर रहा है अभी रिश्ते से। पहले इनको लगता था कि आप इनके सोलमेट हो, अभी नहीं लगता है, अभी गुस्से में है बंदा, बाद में सही हो जाएगा, आप दुखी मत हो। अगर आप सही हो तो आप दुखी मत हो, जो लोग सही होते हैं उनको सहना पड़ता है, हो सकता है ये गलत सोच रहे हैं। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। हाँ, टेम्परेंस, द वर्ल्ड के कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। देखो यूनिवर्स को सब पता है ना, यूनिवर्स तो हमारे माता पिता हैं, तो माँ बाप को बच्चों के दुख के बारे में पता होता है, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आप शांत रहे, अपना पेशेंस ना खोए, बैलेंस करें अपनी लाइफ को, पेशेंस रखे। देखो एक ना एक दिन आपका वक्त बदलने वाला है, थोड़ा वक्त लग सकता है, हफ्ते महीने, लेकिन खुशखबरी आपको मिलनी ही मिलनी है, मेहनत आपने किया है तो आपको खुशखबरी मिलना है। हो सकता है ये आपके जो पर्सन है ये आपको गलत समझ रहा है, आपके बारे में उनकी जो राय है वो गलत है, हो सकता है आपके लाइफ में कोई ना ही हो, लेकिन अगर ये आपको सोच रहा है उस तरीके से, क्योंकि आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपने कुछ ऐसा कह दिया या फिर बात करना बंद कर दिया,
तो उनको लगा कि आपके लाइफ में कोई आ गया है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो देखो भगवान भी यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है कि आपको पेशेंस रखनी चाहिए। और जो बुरे वक्त जो बुरा सर्कल चल रहा है ना, देखो वर्ल्ड के काटा हैं, वो बदल जाएंगे, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है अभी के लिए थोड़ा वक्त लग रहा है, ये बंदा मान नहीं पा रहा है, अपने दिमाग में गुस्सा बैठा के चल रहा है, तो आपको इंतज़ार करनी पड़ेगी, थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, काम होगी, थोड़ी धीरे होगी, वक्त लगेगा, लेकिन होगा ज़रूर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।